मेरा ये एक अच्छा अनुभव था कि मैंने घोड़े में जो बोझ होता है वो लादना सीख लिया है। तो ये भी एक जिंदगी का एक खास अनुभव है। और फिर से नई सुबह और सर्दियों की गुनगुनी धूप। सो हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, और फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल में और एक नए ब्लॉग में। तो होपफुली आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज कुछ थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है कि हर रोज घर का काम निपटाने के बाद फिर मैं ऑफिस की तरफ निकलती हूँ, और आज आप सोच सकते हैं कि मैं पैदल पैदल जा रही हूँ। तो आज मैं कर रही हूँ घर का काम। घर का काम यानी कि मेरे को डलवाना है खेतों में गोबर। तो मैं गोबर भरवाने के लिए जा रही हूँ कहीं गाँव में। तो वहाँ से मैंने गोबर लिया हुआ है और बाकी तो मैंने वहाँ पर डलवाने के लिए घोड़े के लिए बोला है कि घोड़े में डलवा दो, क्योंकि पहाड़ की जो ये विपरीत वाले रास्ते हैं ना, इनसे मुश्किल भी होता है। और फिर आजकल दिन छोटे हैं तो मुश्किल हो जाता है कि सर में लेके जाना और फिर खेत तक पहुंचाना। तो यानी कि दिन के 3 या 4 राउंड होते हैं क्योंकि इतनी दूर हमारा खेत है। तो अभी चली हूँ मैं पैदल पैदल खेत की तरफ। और पीछे देखिए, आजकल खेतों की खुदाई चल रही है और पेड़ों की प्रूनिंग चल रही है, कटाई छटाई, तो ये सब बहुत काम हो रहे हैं गांव में। और आज मौसम की बात करें तो धुंध भी है, हल्के बादल हैं, और लेकिन धूप जो है वो गुनगुनी सी है। तो इसलिए जाड़ों वाली धूप की ज़्यादा याद आ रही है कि जाड़ों में अक्सर यही धूप निकलती है। और ये है हमारे पहाड़ का मौसम। और आप बताएं कि आप कैसे हैं, सब बढ़िया ही होंगे। तो फिर करते हैं आज के दिन की शुरुआत, और कैसा रहता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलते हैं फिर यहाँ से, है ना, और दिखाऊंगी मैं आपको पहाड़ वाले रास्ते। वो तो आप हर वीडियो में देखते हो क्योंकि मेरी वीडियो अक्सर गांव की रहती हैं, तो आपको पता ही चल जाता है कि कैसे रास्ते हैं पहाड़ के। और लोग तो मिलते ही हैं आते जाते, वो भी सही है, पर चलते हैं फिर। और हमारे गाँव में भी मिट्टी वाला घर बन रहा है। ये शायद एक बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उस पर भी दिखाया था, तब भी काम चल रहा था, तब पूरा बन गया था, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है कि उसी का हाइट बढ़ा दी है। तो ये है पूरा मिट्टी का घर बना रहे, और ऊपर से लग रहा है आजकल टीन का काम चल रहा है यहाँ पे। और इधर देखें तो खेतों में मटर की बुआई शुरू हो गई, किसी ने बुआई कर दी। और ये है सामने का खूबसूरत सी पहाड़ियाँ, और इधर आपको ज़्यादा सेब के पेड़ दिखेंगे क्योंकि अक्सर ज़्यादा फलों का बगीचा यहाँ पे है, तो आड़ू, प्लम, सेब, ये सब दिखेगा आपको। तो चलते हैं फिर, और एक बार और देख लीजिए मिट्टी वाला घर, और फिर चलते हैं आगे आगे। चल रही है बुआई। और इधर है सेब का बगीचा, तो अभी देखिए प्रूनिंग हो चुकी है और इसके नीचे लगाई है मटर। और पहाड़ों में भी ज़्यादा, आपको बताया मैंने कि सुअर और बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक हो गया, तो उसके लिए एक उपचार किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर रखा है कि शायद तार डाला हुआ है, तो लाइट वगैरह का शायद करंट वगैरह से थोड़ा डरता होगा, तो शायद बाउंड्री की है, या तो पता नहीं आगे जाने में या तो ये तार से फंसेगा या पता नहीं। लेकिन ज़्यादातर सुअरों का आतंक है तो फिर लोग कुछ न कुछ तो व्यवस्था बैठाते ही हैं, तो थोड़ा कि एक चार दीवारी की है ताकि अंदर घुसेगा तो ये चीज़ लगेगी उस पर, तो इसलिए इसमें हल्के छोटे तारों की बाउंड्री की है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे, यानी कि मेरे को इस वाले ढेर से गोबर भरवाना है। और अपने लिए लेके आई हूँ मैं ग्लव्स, क्योंकि आज इतना पाला गिरा है ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि ऐसा लग रहा है सफ़ेद सफ़ेद बहुत ज़्यादा गिरा है, तो हाथों में इतना ठंडा लगेगा। और इधर मुझे लग रहा है एक ये है घोड़ा, एक शायद और है, पता नहीं इस पर जाएगा या दूसरे पर जाएगा, पर जिस पर भी जाएगा मैं दिखाऊंगी आज कैसे होता है। और फिर कट्टे भी बराबर बैलेंस वाले भरने पड़ते हैं घोड़े के लिए, बराबर बिल्कुल, ताकि बैलेंस ना गड़बड़ाए, तो इसलिए बराबर ध्यान देना पड़ता है। तो
तो फिर यहाँ नीचे से मांगती हूँ मैं कुदाल और फिर भरेंगे हम गोबर। तो आज रहेगा गोबर भरने वाला दिन। आज गोबर डलवाई हो रही है तो मैंने आज एक नई चीज़ सीखी है, वो है घोड़े में बोझ कैसे लाते हैं। तो मैंने घोड़े में जैसे बोझ लाते हैं वो भी मतलब सीख लिया है, तो मैं दिखाऊंगी आपको कि आज कैसे घोड़े में लदाई करते हैं वो भी गोबर की, तो दिखाती हूँ आपको। और पहाड़ में महिला किसानी के साथ मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सीखने के लिए होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप पहाड़ में सर्वाइव कर सकते हो। तो अगर पहाड़ की ज़िंदगी जीनी है तो बहुत सारे लाइफ के चैलेंजेज होते हैं जिन्हें एक्सेप्ट करना होता है हमें और उनको सीखना होता है। अगर हम सीखेंगे तो क्या होगा कि हमारा काम भी सरल बन जाता है, और क्योंकि अगर पहाड़ में ज़िंदगी व्यतीत करनी है तो फिर हमें खेती के साथ साथ मतलब जो भी खेती से रिलेटेड चीज़ें होती हैं मतलब काम करना होता है तो वो सब हमें करना होता है। तो ये भी मेरे लिए एक नया अनुभव है कि मतलब सर में बोझ लेके जाना और घोड़े में उसको लदाई, ये सब आज मैं सीख रही हूँ। तो मैं अपनी वीडियो के जरिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या नया हो रहा है क्या ऐसा, तो ये अनुभव आप तक पहुँचा रही हूँ। यहाँ पे गोबर वो करने के बाद रेस्ट चल रहा है, तो यहाँ पे बन गई चाय और ये कटक वाली चाय है, गुड़ वाली चाय नहीं है अभी। और उधर है ममता, वो है किरणदी जो घोड़े लादने में मदद कर रही हैं। और ये है चाची, कितनी दूर से आ रखी हैं ये। और ये है कमला दी, और चाय बन गई अच्छी वाली, सब कटक एक छुआ गुड़े की, कटक की चाय, कटक की चाय। और इधर कमला दी फीकी चाय पी रही हैं और ये सुखा रही हैं अदरक, तो इनका ये काम चल रहा है, धूप भी सेकी जा रही है और अदरक भी सुखा रही हैं। तो दोस्तों चाय पीने के बाद मैं आ गई अपने खेत में। तो हो क्या रहा था कि घोड़ा जो है ये नीचे वाले खेत तक आ रहा था और वहाँ से ऊपर वाली मेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा था। तो अब मुझे अपनी ऐसी हालत देख के ऐसा लग रहा है कि मैं भी शायद पहले जन्म में घोड़ा ही थी। तो अब क्या हो रहा है कि जो कट्टे घोड़ा लेके आ रहा है नीचे वाले खेत में, वहाँ से उठा के सर में मुझे इस वाले खेत पर डालने पड़े हैं। तो मेरे लिए ये डबल ड्यूटी हो गई। और हालत देखिए, मतलब कि मुंह के ऐसे हालत, मतलब मुंह लाल हो गया, पसीना, मतलब वो ठंड गायब हो गई इस काम के चक्कर में। तो पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब नहीं आ पा रहा है घोड़ा, तो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा अपने काम के लिए। तो फिर आई हूँ मैं, और अब मैंने सारे कट्टे जो 3-4 कट्टे वो लेके आया था वो खाली कर दे, तो फिर मुझे अब कट्टे लेके वहीं जाना है जहाँ से मैं गोबर भर रही हूँ मतलब। तो फिर चलते हैं वहीं। और आज की हालत तो कुछ खास ही होगी मुझे लग रहा है, क्योंकि शाम तक क्या होना है वो भी पता नहीं मुझे, लेकिन होगा तो खतरनाक ही होगा, मतलब कि थोड़ा डल कंडीशन हो जाएगी शाम तक मेरी, ऐसा लग रहा है मुझे अभी तक। और फिर बदल चुका है पहाड़ का मौसम, तो अभी अभी पूरे ऐसे बादल लग गए और ऊपर अभी सूर्य देवता देखे
बादल ने कैसे ढक रखा है, और ये हो रहा है अभी पहाड़ का मौसम पूरा ऐसे। अभी अभी बादल हो गया और ऐसा लग रहा है कि जैसे अंधेरा हो रहा होगा। तो वो रही मुक्तेश्वर वैली, और इधर पड़ता है अपना गांव, और इधर है अपने खेत। तो आज का जो काम हुआ, इस वाले खेत पर डाल दिया, उस पर डाल दिया, अब ऊपर। अब घोड़ा नहीं चढ़ा है तो उधर से तो सर पे ही लेके जाना पड़ेगा और खुद ही घोड़ा बनना पड़ेगा। तो ये हो रही है हालत। तो दोस्तों हो चला है शाम का वक्त, और सनसेट भी शायद अब हो ही जाएगा, क्योंकि टाइम हो गया 4:30, और 4:30 बजे आजकल धूप चले जाती है, तो फिर शाम ही होने को है। और आज मेरा काम हो गया, मतलब मेरे को मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन काम मेरा हो चुका है, यानी कि जो मेरा वाला काम है खेतों में गोबर डालने का, वो हो गया है। पर आज बिल्कुल रील बन चुकी है वो, इसलिए कि एक तो भरना था कट्टे, और दूसरा घोड़े के ऊपर लादने थे, और लादने वाला भी कोई नहीं था। तो मेरा ये एक अच्छा अनुभव था कि मैंने घोड़े में जो बोझ होता है वो लादना सीख लिया है। तो ये भी एक ज़िंदगी का एक खास अनुभव है। और तो फाइनली हो गया मेरा काम, और आज का दिन भी लग गया है। तो थोड़ा मैं अब ये हो गया कि मैं थोड़ा फ्री हो चुकी हूँ, वो इसलिए कि खेतों में अब गोबर आ गया है, तो अब मेरा खुदाई वाला काम नहीं है। तो जब बारिश होगी, क्योंकि अभी तो बारिश नहीं हुई है और मिट्टी बिल्कुल एकदम सख्त हो रही है, तो अभी तो हो नहीं सकता है खुदाई वाला काम, लेकिन जब भी होगा खुदाई के बाद इस पर फिर मटर लगेगी। और ऑलरेडी थोड़ा पीछे हो गई, क्योंकि मटर लग जानी चाहिए नवंबर दिसंबर फर्स्ट वीक तक, लेकिन क्या करें, बिना बारिश के तो कुछ होना नहीं है पहाड़ में, और ऐसे संसाधन भी नहीं है कि जो ज़मीन को गीली बनाया जाए। तो ये था आज का मेरा वीडियो। तो इस वीडियो के माध्यम से ये नहीं कि यार मैं इतना दिखा रही हूँ या ऐसा कुछ है, लेकिन ये ऐसा है कि ये एक मेरे लिए नया अनुभव था कि मतलब कुछ न कुछ, मतलब जो हम नया सीखते हैं लाइफ में, तो वो इस वीडियो के ज़रिए मैं आप तक पहुँचाना चाह रही थी। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर हाँ तो आप लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं आई तो कोई भी बात नहीं। लेकिन ये थी आज की वीडियो, तो करते हैं वीडियो का एंड, और फिर मिलूंगी मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, और नए दिन के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं फिर।